अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं BTK स्टोरीज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिया टाउन कराची ग्रैंड जामिया मॉस्क के बिल्कुल सामने और आप देख सकते हैं वीडियो में जामिया ग्रैंड मॉस्क का डेवलपमेंट स्टेटस। और आज आपको बताते हैं कि फिनिशिंग का काम कहां तक पहुंचा है, कब यहां पे नमाज अदा हो सकेगी। ऐसा लग रहा है देख के कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। फिनिशिंग के मराइल में ही इस वक्त जामिया ग्रैंड मॉस्क है। और दानियाल भाई सर, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। सर सर क्या अपडेट है सर, सिक्योरिटी वालों से क्या अपडेट ले रहे हैं आप? यार सिक्योरिटी वालों से अपडेट ले रहे थे, सिक्योरिटी पे बड़े मसले उठ रहे हैं बैरिया में ना। अच्छा, तो लोग पूछते हैं सिक्योरिटी के मसले कहाँ नहीं है। बहरहाल मैं उससे अपडेट ले रहा था। अच्छा, इस ग्रैंड मॉस्क के हवाले से तो फ़िलहाल तो अंदर कंस्ट्रक्शन का ठीक ठाक काम चल रहा है। 5 बजे यहाँ से लेबर चली जाती है। सही। तो बस ये कुछ लेबर है जिनका काम रह गया था, जिनके हिस्से का, तो वो करने में लगे हुए हैं अभी। और ग्रैंड जामा मॉस्क की मुझे लग रहा है आप अपडेट दे रहे थे, आपने मुझे दूर से आवाज़ लगा के बुला लिया। मैं तो मेरी हालत से पता लग रहा होगा, वर्किंग मूड में नहीं था मैं, लेकिन आप कैमरा खोल के कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसकी अगर सिक्योरिटी वाले के साथ लगे हुए हैं जरा मैं नहीं, इसकी अगर अपडेट दें तो ये बहुत जल्द इंशाल्लाह एक्टिव होने वाली है। देखें वीडियो में, देखें फिनिशिंग का काम ऐसा लग रहा है जैसे अपने आखिरी मराइल में चल रहा है। सर आउटर फिनिशिंग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, देखें आउटर फिनिशिंग ख़त्म हो चुकी है। बाहर आपको नज़र भी आ रहा होगा कुछ जगह आपको ये एंगल्स वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, स्टील रॉड्स वगैरह जो भी हैं नज़र आ रहे हैं। काम असल जो है वो अंदर चल रहा है क्योंकि इसको एक्टिव करने का। सही है सर। तो उम्मीद करते हैं कि बकराईद के फौरन बाद ही एक्टिव हो जाएगी। मे बी पॉसिबल कि बकराईद की नमाज़ शायद यहाँ पे करवाई जाए। अच्छा। लेकिन अभी इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं है, तो कबल अज़ वक्त होगा। ये बताएं ये बिल्कुल सामने कौन सा प्रेसेंट है? सर प्रेसेंट 16 है। प्रेसेंट 16 है। तो ये जो व्यू हमें नज़र आ रहा है, व्यू है ये वाला व्यू, तो ये प्रेसेंट 16 से हमें नज़र आएगा? सर क्यों नहीं नजर आएगा, इतनी बड़ी मस्जिद है, शोपीस थोड़ी है सर के नजर में आएगा। होते हैं ना सर, छुप तो नहीं जाएगा? नहीं सर देखें प्रेसेंट 16 हो गया है, 17 में भी हमने देखा था, तो 17 से भी हमें राइट साइड पे नजर आ रहा था। सवाल ये है कि मैं ऐसा घर बनाना चाहूँ जिसकी फेसिंग ये वाली फेसिंग आए, तो जवाब भी मैं खुद दे दूँ? प्रेसेंट 16 सर, प्रेसेंट 16 तो हो गया, वो अलग है। 500 गज के कुछ प्लॉट्स हैं, ये बिल्कुल उस तरफ हिल्स में, या आप हिल्स की बात कर रहे हैं? हिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल उस जगह पे। तो वहाँ पे कुछ विलाज हैं, मैं भी वीडियो में वो कुछ शॉट्स लगा दूंगा। तो उसमें तो आप 500 गज मिलेगा ना, 500 गज का प्लॉट होगा, उसकी प्रॉपर फेसिंग होगी ये वाली। तो मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, 250 गज की प्रेसेंट 16। आपका काम क्या है प्रॉपर्टी लेने का? देखें सर, देखें नहीं एक अमीर आदमी भी चल रहा है यूट्यूब पे। आपका काम क्या है जरा प्रॉपर्टी का? ये सर देखें मेरा मैं बता देता हूँ, मेरा जो काम है मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, मशवरे दे सकता हूँ, और उसके अलावा बाइंग परचेजिंग का अल्हम्दुलिल्लाह काम है। छोटी मोटी अपनी छोटी छोटी इन्वेंट्रीज हैं अभी भी, कुछ जो है सेल आउट हो गई हैं, लगे पड़े रहते हैं, बस ये रियल इस्टेट का ही काम है। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कब तक इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी? सर देखें जो मार्केट में आवाज़ें सुनने में आई हैं ना, उसके मुताबिक तो कहा जा सकता है कुछ चांसेस है कि बकरा ईद की नमाज हो जाए। अच्छा। अदरवाइज अगर नहीं भी होता मुझे नहीं तो लग रहा। कोई मसला नहीं है, मुझे लग नहीं रहा। लेकिन अगले 2 महीने जो हैं वो आप कह सकते हैं कि विद इन 2 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स ये एक्टिव हो जाएगी मस्जिद। काफ़ी टाइम से काम चल रहा है इसका, ये वो कुछ उन जगहों में से है, प्रीमियम जगहों में से। जब बैरिया टाउन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम बैरिया ने इनको लॉन्च किया था। अच्छा, तो अब आप लगा लें, अगर अब बन भी रही, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही है ना। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है यार कब से बन रही है, कब से बन रही है, बन नहीं रही है सर, बन रही है। कैसी बात कर दिया आपने? नहीं दिखाएं सर, स्ट्रक्चर भी तो जायंट है, स्ट्रक्चर भी तो जायंट है सर। ये आप देखें, सवा सौ से इंशाल्लाह ताला आप दाखिल होंगे। ये इसकी एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस आगे भी है, इसकी मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर भी है बिल्कुल ऐसे ये वाली। ये मुझे ऐसा लग रहा है यार ये उस तरह की बन रहे हैं जैसे आप हरम में जाएं तो कुछ गेट होते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे हो गया। एक ये आपको नज़र आ रहा है, फिर आपको एक वो ऊपर नजर आ रहा है, फिर वो एक और ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये उसी तरह की मुझे इसकी। अब मुझे एक बात बताएं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर 125 गज का विला तो है नहीं सर, ठीक है, 1000 गज की 2000 गज की मस्जिद तो है नहीं। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने फाइनल और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी, और जिस दिन ही एक्टिव होगी तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर की अपडेट दें, चाहे हमें उड़ के आना पड़े, क्योंकि यहाँ बड़े लोग हमें कॉपी करते हैं। ओके, करने में कॉपी कोई मसला नहीं है, कोई मसला। तो सर मुझे इजाज़त दें, आप भी इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दोनों होस्ट मोहम्मद दानियाल सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।